जहाँ पे भी हो एक नई जबरदस्त वीडियो लेके आ गए हैं। और ये वीडियो हमारी है जी, दोनों कंट्रीज के हम रेट कंपेयर करने लगे हैं। वैसे कंपैरिजन क्या बनता है बेटे, वहाँ भी सस्ता ही होता है, वहाँ का रेट, वहाँ की करेंसी हमसे वैल्यूएबल ही है। लेकिन फिर भी हमने कुछ ईद आने के लिए है, तो जरा थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हम क्या सब्जियाँ ले रहे हैं, किस रेट पे, इंडिया में क्या रेट चल रहा है। लेटेस्ट वीडियो ये है, जरा लोकल सी मंडी देखना चाह रहे थे इसलिए हमने वीडियो सेट कर दी। Hi and hello viewers, welcome back to my channel. तो हम आपके लिए अपनी वीडियो, और ये हमारी अपनी वीडियो है। हम रेट देखने लगे हैं इस जगह, प्याज कब हो, अदरक रेट टुडे, टमाटर रेट टुडे। तो हम ये सब रेट देखने लगे हैं कि हमने भी ईद के उपाय को, ईद लगा आ रही है ना, हमें शॉपिंग तो करनी है। तो हम जानते हैं कि हमने चीज सस्ती ली है भाई, मतलब हमारे यहाँ सस्ता है या इंडिया सस्ता है। वैसे तो इंडिया की तो क्या ही बात है, लेकिन हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री का सबसे अच्छा रीजनेबल रेट है। ये देखिए ना, इंडिया का तो क्योंकि ईद तो वहाँ पे भी आपको पता है ईद नहीं है, तो वहाँ आजकल क्या चल रहा है, ज्यादा महंगी हो जाती है चीजें वहाँ पे, बीमार तो या एक्स्ट्रा हो जाती है, डबल ट्रिपल रेट में जी सब कुछ मिलेगा। आराम से जाएगा। चले जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम अरीशा एंड यू वाचिंग अ प्रोडक्शन। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने न्यू धमाकेदार वीडियो। सो स्टार्ट जी, चले। हेलो दोस्तों, मैं सभी ग्रह सब्जी मंडी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 11 जून 2024 को जानेंगे बाराबंकी सब्जी मंडी का भाव। ये देखिए, सुबह का टाइम, मंडी स्टार्ट हो रही है, सब माल लगे हुए हैं। कद्दू का रेट भी बहुत टाइट हो चुका है। आम देखिए, सब लगो आम का दिया, आम ये 14 रुपया 15 रुपया, 14 से 15 रुपये किलो का रेट बोला है। सब कच्चा अचारी वाला सब आम लगा हुआ। ये देखिए, हरी सब्जियां और सब लगी हैं, किसानों वाली, बाराबंकी वाली। ये देखिए, भिंडी की आवक मंडी में बहुत हो गई है, यहाँ लोकल भी आ रही है, बाहर वाली भी आ रही है। ये भिंडी देखिए, क्वालिटी बढ़िया। कह रुपये क्यों है, 30 रुपये किलो का रेट खुला है होलसेल का। ये देखिए, कद्दू लगा हुआ है, कद्दू का रेट पहले से बहुत टाइट है। आज 25 रुपये किलो का रेट होलसेल का खुला, 25 रुपीज़ पर केजी होलसेल रेट। ये देखिए, जो है मिर्ची के सैंपल सब लगे हुए हैं, हर तरह क्वालिटी आ रही है। देखिए, बारी महीन वाला एक देखिए ये है। अब महंगाई में हर तरह का माल बिक जाता है। कैरेट खोले औसत, और ये वाली महीन वाली बिकी है आज 55 रुपये किलो। 55 रुपये किलो का रेट खुला इसका, बहुत टाइट हो चुकी है। और ये वाली खुली है 42 रुपये किलो। 42 रुपये किलो वाली आमदनी बहुत कम है मिर्ची की, माल है नहीं एकदम। हाँ एकदम नहीं है माल, इसीलिए रेट जो है हाई हो गया। ये लौकी लगी हुई है, लौकी का रेट 30 रुपये किलो होलसेल में चल रहा है। और दूसरी वाली जो हल्के माल है लौकी में, वो जो है 20-22 रुपये किलो का रेट चल रहा है। ये देखिए, तुरई सब लगी हुई है, हरी सब्जियां सब महंगी हो चुकी है। ये देखिए, तुरई 20 रुपये किलो का रेट होलसेल का खुला है। बैंगन ये देखिए, 30 रुपये किलो का होलसेल का रेट बैंगन का चल रहा है। ये देखिए सब खीरा लगा हुआ लोकल बाराबंकी वाला, 300 रुपये का 100 पीस में गिना जा रहा है। ये देखिए, कहीं पे गिनती में बिकता है, कहीं पे किलो में बिकता है। ये अदरक औरंगाबाद वाली गाड़ी लग चुकी है डीसीएम, देखिए। ये देखिए, माल बिक्री स्टार्ट हो चुकी है, सुबह का टाइम है अभी। ये देखिए, सैंपल खुला हुआ है। माल इस समय थोड़े 19 आ रहे हैं। ये देखो, कई लाटे हैं, लाटे जो है अलग अलग खुले हैं, जैसा माल होगा वैसा भाव है। ये देखो, यहाँ से अदरक आ रही है, वहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से भी माल सही नहीं आ रही है।
आज अदरक का रेट 125 रुपए किलो होलसेल में खुला है, 125 रुपीज़ पर केजी होलसेल रेट खुला है। ये देखिए नींबू लगा हुआ है, नींबू 2600 रुपए पैकेट का होलसेल का रेट खुला है। पैंतीस 36 किलो के आसपास भर्ती होती है। ये देखिए पैकेटों की अभी सुबह का टाइम है, मंडी स्टार्ट हो रही है। ये देखिए टमाटर का रेट से ना के दिखा रहे हैं, टमाटर कम आया था आज 250 रुपए कैरेट का होलसेल में खुला है। ये देखिए सब प्याज लगी हुई है, ये देखिए सब प्याज की गाड़ियां सब खड़ी हैं। ये गोल्टी लगी है सब, देखिए माल प्याज में पहले से तेजी है। ये सब देखिए बिक्री चल रही है। नदीम क्या रेट खोला आज? आज गोल्टी गाल्टा बिका है 22 से 25 रुपए तक, 22 से 25 गोल्टी। हाँ, और मोटा बाल बिका है 30 रुपए, 30 रुपए किलो के बढ़िया वाले, 30-32 से 32 रुपए सुपर क्वालिटी टॉप क्लास वाले 30 से 32 रुपए किलो का होलसेल का रेट खुला है। ये मोबाइल नंबर है इनका, इनको संपर्क करना और संपर्क कर सकता है। और ये वीडियो थी वो तो कमाल ही थी, मतलब तो इसी मतलब रेट के मामले में लेकर कमाल था इनका रेट। हमारे जो मेरे अदलक का तो वो तो इनका है 125 रुपीस है किलो, हमारा है 200 रुपए का पाव, मतलब कि 800 रुपए किलो, 800 रुपीस किलो। और बाकी इनका लींबू का तो आप वो जो हमारी दुकान से आउट हो चुकी है सब्जियां, बिल्कुल ऐसे रेट हो चुके हैं जी। और बाकी आलू का इन्होंने क्या बताया था? आलू का इन्होंने काफी कम बताया था, 20-25 जी। और तो हमारे यहाँ पे आलू का रेट हम आपको अपने रेट बता देते हैं, खुद ही आप कंपेयर कर लेंगे ना। हमारे यहाँ पे आलू अभी हम रिसेंटली लेके आए हैं, 100 रुपीज पर केजी आलू है जो अच्छा मिला है, ठीक है। अब उससे महंगा और अच्छा होगा, नीचे चले जाए 80 में आ जाए तो बिल्कुल फारग और बस इस तरह। अच्छा, उसके बाद ना अदरक का मूंग 800 रुपये किलो हो गया, और जो प्याज बताया हमने जी, प्याज नहीं, प्याज 120 रुपए किलो यहाँ पे है जी। और उनका 40 उनका 30-32 वाला कह रहे सुपर जी। और जो जो एमबी है ना जो वो एमबी 15 से 14 की है, और हमारी जी हमारी तो पता नहीं 10 रुपए के 2-3 शायद मिल जाए। अच्छा, उसके बाद ना यह है और भिंडिया की, भिंडिया भी हमारे यहाँ वो तो इन्होंने हर रेट जो कहते हैं थोड़ा ज्यादा रेट है, 25 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये। हम हैरान हो रहे हैं कि हमारे पाओ भी नहीं आता, देते ही नहीं है, कहते हैं इसका देना ही नहीं, नींबू ही नहीं देने, 10-50 रुपये के भी नहीं देंगे आपको। सो जी क्या बात है, अब मुझे पहली बार चल गया था मतलब कम ही रेट होगा जी। यहाँ पे तो आजकल धनिया यहाँ पे महंगा हो गया, फिर धनिया का जब शॉर्टेज हो जाए ना फिर फ्री में नहीं देते, अब आपको ये 50 रुपीज से कम नहीं देंगे, लास्ट टाइम ऐसे हो ठीक हो गया। अच्छा जी, पुदीने की गुच्छी आपको 20 रुपए की मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, वैसे कुछ ना मंडी का रेट और होता है, हाँ जरा चल जाएंगे थोड़ा कम मिल जाएगा, और कुछ ये जो हॉकर्स होते हैं जो पहली खाने में नहीं मिलते हैं रेडी हो गए, उनका रेट जरा थोड़ा उससे ज्यादा होता है। जो फिर यहाँ शॉप्स आपकी करीब सब्जी वाली होगी उनका रेट उससे भी ज्यादा होगा, यहाँ पे दाल लगता है, मतलब जिसका जितना दाल लगेगा उतनी कीमत कर लेगा, ये वाला हिसाब चलता है। अच्छा जी, और ईद वाले दिनों में यहाँ पे अभी तक कोई हमने बाजार नहीं देखे कि उसमें जाके जरा सस्ता सब्जी मिल जाए आपको, सब रेट टॉप पे जा रहे हैं इस टाइम, और ये वैसे बात है। अच्छा, इंडिया के रेट तो हमें वैसे ही बहुत अच्छे लगे हैं, मुझे तो इसमें से कोई चीज़ भी एक्सपेंसिव नहीं लगी। अब वहाँ के लगता हो सबको तो पता नहीं, लेकिन हम यहाँ को कंपेयर करें ना भाई, तो यहाँ तो बहुत, यहाँ तो अदरक भी देखिए 1000 रुपये का आप लेके आएंगे किलो जी, लहसुन का भी यही हाल है, फिर आलू प्याज टमाटर। अच्छा, टमाटर यहाँ पे 2-3 रेट चल रहे हैं, 40 रुपये में थोड़ा अंदर क्वालिटी हो गई, थोड़े कच्चे वाले हो जाए 40 रुपये मिल रहे हैं, 80 रुपये भी मिल रहे हैं, और बाकी मेरा ख्याल 60 रुपये में भी नहीं, 120 वाला वो है प्याज। तो जी बस ये ओवरऑल सब्जी हमने देखी इनकी, और इनकी मंडी का बड़ा जबरदस्त लगा एज कम्पेयर हमारा वो हाई हो गया रेट्स। और मुझे हैरानी हो रही है,
मिलते हैं अगली एक्शन की वीडियो के साथ। टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।